एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बोला गया है. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू, सबसे पहले तो हम बात करेंगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी टीचर्स होता क्या है. तो दिस इज द एडिशनल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम विच इज एक्सहेल्ड ड्यूरिंग द फोर्सफुल एक्सहेलेशन ओवर द टाइडल वॉल्यूम. मतलब क्या बोला हमने कि टाइडल वॉल्यूम के ऊपर ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सहेलेशन अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड ओवर टाइडल वॉल्यूम. ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, तो अब यहाँ पर यदि हम फॉर्मूला की बात करें, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व, यहाँ पे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी पूछी है. ठीक है, अब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की यदि आप बात करोगे, ये तो हमने क्या बोला था, दिस इज ई आर वी, दिस इज ई आर वी. अब यदि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की आप बात करोगे तो यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ एयर आ जाएगा, सेम टोटल अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सहेलेशन. बट आफ्टर नॉर्मल ब्रीदिंग, आफ्टर नॉर्मल ब्रीदिंग या इनहेलेशन. ठीक है, तो ईसी का यदि मैं फॉर्मूला की बात करूं तो ईसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, ईसी हो जाएगा मेरे पास ई आर वी प्लस टाइडल वॉल्यूम. और टाइडल वॉल्यूम क्या है मेरे पास, अमाउंट ऑफ एयर विच इज एक्सहेल्ड और इनहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग. तो आप देख लीजिए ईसी का फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया है, तो टी वी प्लस ई आर वी बिल्कुल सही. तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो ही सही हो जाएगा, ई आर वी प्लस आई आर वी नहीं होगा, ई आर वी प्लस आर वी ये तो हमारा क्या होता है एफ आर सी होता है, तो ये भी नहीं होगा. फिर उसके बाद ई आर वी प्लस आर वी, फिर से ई आर वी प्लस आर वी यहाँ पे दे दिया है, तो यहाँ पे ई आर वी की बजाय आप इसको आई आर वी कर दो, आई आर वी प्लस आर वी भी नहीं होगा. ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, देखते ही टिक करने वाला क्वेश्चन था, इजी कैटेगरी.